हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अरिबास कढ़ाई। तो आज हम बनाएंगे काजू कतली। जो दिवाली है, जो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज दिवाली है और दिवाली पे सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मिठाई काजू कतली है। तो चलिए हम काजू कतली के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम काजू ले लिए हैं। मैंने इस तरह के टूटे हुए काजू लिए हैं, आप जैसी मर्ज़ी ले सकते हैं। अब हमें अपने काजुओं को अच्छे से वॉश करना है एक डिश में डाल के। इस तरह से आप सारे काजू एक बाउल में पलट लें। अब हमें इसमें पानी डाल के अच्छे से इस तरह से वॉश करना है। आप इस तरह से अच्छे से इनको मसल मसल के वॉश करें। इससे ये होगा कि आपके काजू जो हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे और इनका जो कलर है वो अच्छा आएगा। ये देखिए, काजुओं को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे काजू हैं वो है ना, घी नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, काजू को मैंने भिगो दिया है। अब हम मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे बाद। काजुओं को भीगे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। मैंने काजुओं को छान लिया है पानी में से। ये देखिए, काजू भी हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे जर्क देकर ब्लेंड कर लेना है। ये मैंने सारे काजू अपने ब्लेंडर में डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालूंगी और इसे हम जर्क देकर ब्लेंड करेंगे। अगर हम इसे एक साथ ब्लेंड करेंगे तो मिक्सर जो है वो हमारा जार जो है वो हमारा गर्म हो जाएगा और जो काजू हैं वो अपना घी छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें इसे 1 सेकंड का जर्क दे देकर इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, इसे पीस लेना है अच्छे से। ये देखिए, मैंने 2-3 जर्क देके इसे इस तरह से पीस लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून और पानी डालेंगे और हम दोबारा इसे जर्क देकर ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, हमारे काजू का पेस्ट हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। इस तरह से हमें थिक और दरदरा सा पेस्ट पीसना है, बिल्कुल बारीक ना पीसें, इसी तरह का हमें चाहिए। ये पेस्ट बनाने में मुझे 3 टेबलस्पून पानी लगा है। अब ये हमने अपनी कढ़ाई ले ली है, हमें कढ़ाई को गैस पे नहीं रखना है। अब हमें इसके अंदर अपना जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था वो सब हमें इसके अंदर डाल देना है। अब हम इस पेस्ट में 2/3 कप शुगर ऐड करेंगे, पाउडर्ड शुगर। आपके पास पाउडर्ड शुगर ना हो तो आप घर में पीस लें, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये देखिए, काजू और पाउडर्ड शुगर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारा पेस्ट पतला हो गया है क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। सॉरी। अब हम इसे गैस पे रख के कुक करेंगे। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है अच्छे से, और इसे हमें कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है। अगर हम इसे चलाना बंद कर देंगे तो ये जल सकती है, नीचे से ख़राब हो जाती है। ये देखिए, पेस्ट जो है हमारा वो थिक होना स्टार्ट हो गया है। हमें इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए कितनी थिक हो गया है ये पेस्ट हमारा, कितना थिक हो गया है और अपनी साइड्स भी छोड़ने लगा है ये। हमें इसे जब तक कुक करना है जब तक ये अपनी पूरी साइड्स ना छोड़ दे। ये देखिए, हमारे पेस्ट ने बिल्कुल अपना पैन पे से अपने आप को छोड़ दिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमें प्लेट पे डाल के थोड़ा सा चेक करना है। ये देखिए, ये प्लेट पे चिपक रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी तैयार नहीं हुआ है।
हमने इसके अंदर बिल्कुल भी घी नहीं डाला था। देखिए फिर भी ये कितना शाइनी लग रहा है, क्योंकि काजू ने जो है वो अपना घी छोड़ दिया है। देखिए हमारी कढ़ाई कितनी गंदी हो गई थी, ये खुद ही साफ होती चली गई, क्योंकि ये जो सारा पेस्ट था ये सब सबने पैन को अच्छे से छोड़ दिया है। हम दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये प्लेट पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। इस तरह से हमें बॉल बना के देख लेना है इसे। ये बिल्कुल भी देखिए चिपक नहीं रहा है प्लेट पे, इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुका है। अब हमें चकला लेके इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। देखिए इस तरह से अब हमें इसे पेपर लगाना है, और पेपर को भी ऊपर से अच्छे से ऑयल से हमें ग्रीस कर लेना है। इस तरह से हमें बटर पेपर बना के तैयार कर लेना है। अब हम इसके ऊपर सारा पेस्ट डाल देंगे। अब हमें पेस्ट को ठंडा कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि पेस्ट बहुत गर्म है। हमें इसे अच्छे से चम्मच की मदद से नीट कर लेना है चारों तरफ से। अब हम इस तरह से बटर पेपर से इस तरह से इसे चारों तरफ से एक करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप अपना अच्छा सा डो बना लें बटर पेपर की मदद से। ये देखिए चारों तरफ से कितना नीट सा डो बन गया है हमारा। अब हम इसे चारों तरफ से इक्वली बेलेंगे। जितनी हमें अपनी उसको काजू कतली को रखना है उतना हम चारों तरफ से इसे बेल लेंगे। आप जितना चाहें, जितनी मोटी अपनी काजू कतली बनाना चाहें, आप उस अपने हिसाब से इसे बेल लें। अब मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क ऐड करूंगी, वर्क लगाऊंगी, ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसी काजू कतली लगे। ये देखिए मैंने अच्छे से वर्क लगा दिया है। अब हम इसे आधे से एक घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी काजू कतली सेट हो गई है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। इस तरह से हमें पहले कट कर लेना है। सीधी तरीके से हमने इसे कट कर लिया। अब हम इसे आड़ा काटेंगे। ये देखिए हमारी लजीज काजू कतली बनके तैयार है। ये बिल्कुल खाने में बिल्कुल बाजार जैसी लगती है, कोई फर्क नहीं लगता है इसको खाने में कि ये बाजार में नहीं घर में बनाई गई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।